हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार, मैं हूँ अमरीन, अमरीन कैशन ने ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ अजमेर, चलिए चलते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, आपने मेरा ब्रेकफास्ट देखा होगा, और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मैंने खाना भी रख लिया दोपहर के लिए, और अब मैं निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। चलिए चलते हैं, आपको रास्ते में मिलती हूँ। और निकल चुकी हूँ मैं घर से, और ये देखो, हमारे घर से बाहर जब जाओ ना तो रोड पे कुछ ऐसा व्यू होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हरा हरा जो हरियाली वाला व्यू होता है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन, और आपको पता ही है मैं कहाँ जा रही हूँ। और चलिए चलते हैं अंदर। पता है मैं अंदर आई ना, हम लोग के साथ पोपट हो गया, हम लोग को ये पता चला 2-3 घंटा लेट है ट्रेन। चलो कोई बात नहीं, फिर हम लोग मैं पहुँची सूप पीने, क्योंकि मैंने सोचा कि लाओ सूप ही पी लेती हूँ, क्योंकि मन कर रहा था। और ये रहा सूप, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही पी रही हूँ, मैं कभी सूप वूप नहीं पीती हूँ यहाँ से, और ठीक ठाक था। मुझे कुछ खास नहीं लगा, पानी पानी में अजीब सा आ रहा था टेस्ट। उसके बाद मैंने कैसे तैसे करके पिया, पी के फिर बैठी थी मैं, बोर हो रही थी, क्योंकि यार 2-3 घंटा मैं सोच रही थी बस ट्रेन आ जाएगी और मैं बैठूंगी आराम से सो जाऊंगी, पर यहाँ पे तो मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने पिया ग्रीन टी, और मैं अपने साथ में ये अपना कप और ग्रीन टी लेके गई थी गर्म पानी। पहुँच चुकी है स्टेशन, और मैंने अभी तक तो कंट्रोल कर रखा है अपने ऊपर, कुछ खाया नहीं है। मैं पीने जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी, और देखती हूँ मेरी डाइट कहाँ तक मैं अपनी डाइट फॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि ट्रेवल में तो बहुत मुश्किल होता है, और मेरी ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले, इतनी ज़्यादा। और जब मैं स्टेशन आ गई तब मुझे पता चला कि 8 घंटा डिले। अब 8 घंटा मुझे बैठना पड़ेगा स्टेशन पे, देखते हैं। वैसे मैं खाना बना के लेकर आई हूँ अपना, और अभी मैं ग्रीन टी पीने जा रही हूँ, फिर मैं खाऊँगी दोपहर को खाना, और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी मैं क्या क्या खाती हूँ, ठीक है। हो गई है दोपहर, और मेरे साथ आज इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि मेरी ट्रेन आने वाली थी 11:50 पे, अब आने वाली है शाम को 7:30 बजे। अभी तक इंतज़ार करते 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 स्टेशन में बैठी हूँ। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने, आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर से खाना लेकर आई हूँ, अपनी थाली बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। तो इसी देखो, हमारी थाली बन के कम्प्लीट हो गई है, मैंने लगा ली अपनी थाली। मैं अपने लिए रोटी लेकर आई थी, बाकी सबके लिए पूड़ियाँ लेकर आई थी, और इसके साथ ये पनीर की सब्ज़ी और थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा सैलड ज़्यादा। ये रही हमारी थाली, और देखती हूँ मैं अपने डाइट कब तक कंट्रोल कर सकती हूँ। चलिए मैं खाती हूँ पहले, और फिर इसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। मैं खा चुकी हूँ खाना, और देखा ना कितना मज़े का खाना था। जो घर का खाना होता है बहुत ही मज़े का होता है, मुझे नहीं पता था मेरी ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले हो जाएगी, नहीं तो मैं बना के लेकर आती और खाने। मैं एक टाइम के लिए लेकर आई थी कि बस दोपहरों को खा लेंगे, और अब क्या ही पता था कि इतनी ज़्यादा डिले हो जाएगी। कोई बात नहीं, बाहर ही खाने खाएंगे, और देखते हैं क्या खाती हूँ मैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किसके साथ ऐसा हुआ है जैसे मेरे साथ हुआ था कि ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले होने पे वेट करना पड़े, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पनीर वाली रेसिपी आपको मेरे अमरीन के आशाने वाले चैनल पर मिलेगी, लाजमी आप लोग वहाँ से चेक करिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और दोनों चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरी जो अमरीन का आशाना कुकिंग वाला चैनल है, वो उस पर मैं अपलोड करती हूँ 1 बजे वीडियो दोपहर में, और अमरीन के आशाने वाले ब्लॉग पे 6:30 अपलोड करती हूँ, लाजमी आप लोग चेक करिएगा और ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिएगा। ट्रेन है 9 घंटे लेट, और मैं बैठी थी, और बैठे बैठे फिर होता नहीं है जब खाली बैठो ना तो भूख ज़्यादा ही लगती है, और फिर भूख लगी मेरे भाई को भी और मुझे भी, मम्मा को भी, और फिर पहुँची यहाँ वाली शॉप। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ से लिया मैंने कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे एकदम फ्रेश बन के रखी जाती है, और ऊपर था इसका रेस्टोरेंट, मैंने ये ले लिया है अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी। मुझे मिल गया है सैंडविच, मैं खाऊँगी सैंडविच और मम्मी खाएँगी पेस्ट्री,
और फिर उसके बाद में यहाँ के बाद में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी पेटीज लेने के लिए, क्योंकि पेटीज हमने तो खाना था और पेटीज वाली शॉप पे पहुंची। यहाँ पे मुझे मिल गया ये वाला केक। आप लोग मुझे कमेंट बताएगा किसको किसको ये केक बहुत पसंद है। मैं तो जब भी आती हूँ ना स्टेशन, तो मैं हमेशा ये केक ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ये स्टेशन पे ही मिलता है, मुझे बाहर कभी मिला ही नहीं। और जब भी मैं कहीं भी आती जाती हूँ, ये वाला केक बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही अच्छा। मुझे स्टेशन के अलावा ये कहीं और मिलता ही नहीं है, मैं इसको ज़रूर लेती हूँ ज़रूर। और मेरे भाई ने लिया ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि पेटीज नहीं मिली थी, और फिर मैंने मम्मी के लिए भी ले लिया। और लेके पहुंची मैं मम्मी के पास में, क्योंकि मम्मी अकेली बैठी थी और उन्हें ना हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो अकेले बैठती हैं तो उनको उलझन होती है। और मैं, ये रहा मेरा सैंडविच, मैं खाती हूँ अपना सैंडविच, देखती हूँ टेस्ट करती हूँ कैसा रहता है। वैसे मैंने दिल्ली में खाया था, मुझे कुछ खास नहीं लगा था, पर यहाँ का सैंडविच मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको खाया। फिर उसके बाद में ग्रीन टी पी फिर से, और फिर टाइम ट्रेन का बढ़ता ही जा रहा था यार, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर पहले पता होता ना इतना लेट आएगी तो मैं खुद ही ऑफिस चली जाती। मैं यहाँ पे फालतू का मेरा पूरा फुल डे बर्बाद हुआ। और ये हो गई है शाम, शाम को कुछ लाइटिंग वाइटिंग जल गई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। पर अपना इलाहाबाद देखो कितना साफ है, कितना ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इलाहाबाद स्टेशन। और ये देखो यहाँ पे कुछ थे मॉडल, मैंने यहाँ पे इसकी वीडियोस बनाई, कुछ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि अंदर छोटी छोटी लाइट्स चल रही थी। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं रात में पहली बार इतना देर रुकी हुई हूँ, और नहीं तो हमेशा आती हूँ, दिल्ली वैली जाना होता है तो बस जल्दी से गई, और यहाँ पे कभी रुकते ही नहीं, बैठते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। पर आज मैं बहुत टाइम तक बैठी थी तो फिर यहाँ पे आई, बहुत ही अच्छा था ये, बहुत अच्छा, मुझे मॉडल बहुत अच्छा लगा। मैं अपना टाइम पास ही कर रही थी, क्योंकि क्या था, कुछ था नहीं मेरे पास करने को। उसके बाद में बाहर निकली, बाहर भी बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग हो रखी थी, और यहाँ पे स्टेशन के जस्ट सामने लगे थे फाउंटेन, उसको वहाँ पे जाके वहाँ की वीडियो बनाई। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी, आप लोग को दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था अपना इलाहाबाद, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेट था, बहुत ज़्यादा साफ है, पहली बार मतलब बहुत ज़्यादा साफ है स्टेशन, जरा से भी गंदगी नहीं है, बहुत साफ है, बहुत साफ स्टेशन है। और ये रहा फाउंटेन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना, मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा था रात में, मैं बहुत देर में सोई थी, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जाके और आराम से सोऊंगी, पर यार मतलब हद ही होती है, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ। हमारी ट्रेन आ चुकी है और इंतजार की घड़ी हुई खत्म, 9 घंटा लेट आ रही है ये, इसको तो देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, पर बस कोई बात नहीं, अब ये आ जाएगी ना, मैं बस बैठूंगी इसमें और उसके बाद में मैं सो जाऊंगी। मैं अपना ब्लॉग इधर ही ख़त्म कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ कल day 4 के साथ में, तब तक के लिए बाय। ट्रेन आने के बाद और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, जब इसमें मैं बैठ गई थी ना, इतनी ज़्यादा रश हो गई थी, इतनी ज़्यादा, और ना विदाउट टिकट लोग यहाँ पे चढ़ जाते हैं, और जब ये थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर ही खाली इस पर लेटी हुई थी, और उसके बाद में इतनी भयानक रश हुई।
इतने गंदे गंदे लोग इसमें आ जाते हैं स्लीप, मतलब इसमें मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। सियालदह अजमेर सबसे गंदी ट्रेन है, सबसे ज्यादा गंदी, इतनी ज्यादा रश हो जाता है, इतने बदतमीज लोग होते हैं कि पहली बात तो वो मेरी दूसरों की रिजर्वेशन सीट पे बैठ जाएंगे, उसके बाद में दलीली भी करेंगे। तो मुझे सबसे गंदी ट्रेन लगी और मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस अभी का था। मैं इतने साल से अजमेर जा रही हूँ, सबसे गंदा एक्सपीरियंस था। पर कोई बात नहीं, सुबह हो गई, मैंने वो थोड़ा सा जो कवाली हो रही थी उसको एंजॉय किया क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने पिया एप्पल साइडर विनेगर ये प्लेस का, और मैं जब भी कहीं ट्रेवल जाती हूँ तो मैं यही पी लेती हूँ। इससे ना आपका वो डाइजेशन सही रहता है, और मैं बाहर जाती हूँ तो पानी कम पीती हूँ ना, तो उससे मुझे एसिडिटी होने लगती है। फिर आ गई है अजमेर और मुझे खुशी हो रही थी कि चलो कम से कम इस ट्रेन, गंदी सी ट्रेन से पीछा तो छूटा, और मेरे साथ वापसी में भी ऐसा ही हुआ था। फाइनली गाइस स्टेशन पहुंच चुके हैं अजमेर वाले, और यहाँ पे स्टेशन पहुंचते साथ ही रौनक स्टार्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं आपको।